नर्मदे हर दोस्तों, उत्तर वाहिनी नर्मदा परिक्रमा के सेकेंड पार्ट में आप सभी का स्वागत है। पहले पार्ट में हम तिलकवाड़ा से रेंगन गांव तक आए थे, जिसमें हमने 10 किलोमीटर का सफर तय किया था। मुझे उम्मीद है आपने हमारा वो वाला वीडियो जरूर देखा होगा, और यदि नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आई बटन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से उसे जाकर देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज अभी चलते हैं रेंगन से सामने के तट पर रामपुरा में, और यहाँ पे जाने के लिए आपको नावड़ी में बैठकर जाना होता है। तो यहाँ पर आपको पर पर्सन 20 रुपया देकर नावड़ी मिल जाएगी। सामने रामपुरा से तिलकवाड़ा की दूरी 11 किलोमीटर की है, जो आज हम तय करेंगे। तो चलिए बोट पर बैठते हैं और चलते हैं सामने के तट पर रामपुरा में। जैसे ही कुछ लोग आ गए तो हमारी बोट रवाना हो गई रामपुरा के लिए, और ये सफर में यकीन मानिए दोस्तों, काफी मजा आता है। सामने की तरफ रामपुरा में भी स्नान के लिए घाट बना हुआ है, तो आप चाहो तो वहां पर भी स्नान कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि नर्मदा मैया का जल कितना स्वच्छ एवं निर्मल है, और वहीं कुछ ही देर में हमारी बोट पहुँचने वाली थी सामने के तट पर। मुश्किल से इसमें 5 या 10 मिनट लगते हैं और वहीं आप पहुँच जाते हो रामपुरा में। रामपुरा में भी इस तरह से अलग से एक घाट बनाया गया है, जहाँ पर यह बोट आकर रुकती है, और वहाँ से आपको चल के आगे की ओर जाना होता है। रामपुरा उतरते ही यहाँ पे थोड़ा सा ये कच्चा रास्ता है, जहाँ से होते हुए आपको आगे जाना होता है यहाँ के मुख्य घाट की ओर। जैसे ही हम यहाँ के मुख्य घाट पे पहुँचे तो हमने देखा तो यहाँ पर भी भंडारा लगा हुआ था। यहाँ पर खिचड़ी एवं अचार दिया जा रहा था। रामपुरा घाट से ऊपर जाने के लिए आपको थोड़ी सीढ़ियाँ चढ़नी होगी, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। हम भी धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ आ गए थे। ऊपर की तरफ आके जैसे ही हम आगे बढ़े तो हमने देखा तो यहाँ पर भी काफ़ी सारी गाड़ियाँ पार्क की गई थी। जैसे हमने तिलकवाड़ा से इस परिक्रमा की शुरुआत की थी, वैसे कई लोग रामपुरा से भी परिक्रमा की शुरुआत करते हैं और वापस रामपुरा में ही आके समाप्त करते हैं। तो आप दोनों साइड से परिक्रमा की शुरुआत कर सकते हो, ये आप पर निर्भर करता है कि आपको कहाँ से शुरू करना है। रामपुरा आते ही जो सबसे पहला मंदिर आपके राह में आता है वो है दशावतार रणछोड़ राय जी का। यह मंदिर भी यहाँ पे काफी प्राचीन है। यहाँ के मंदिर में जो चतुर्भुज मूर्ति है उसके पीछे भी एक कथा है। 1913 की समय की बात है, इस जगह पर एक किसान खेती कर रहा था। खेती करते समय उसको यहाँ से जमीन में से यह मूर्ति प्राप्त हुई। यह मूर्ति चतुर्भुज स्वरूप में थी और इस पर दशावतार की भी प्रतिमाएं बनी हुई थी।
तो तब से लेकर आज तक यहाँ पर इस मूर्ति की स्थापना की गई है और ये मूर्ति काफ़ी मनमोहक है। तो आपको यहाँ पे इस चतुर्भुज रणछोड़ राय जी के दर्शन तो अवश्य करने ही चाहिए दोस्तों। और जैसे ही आप मंदिर से पीछे की तरफ आते हो, यहाँ पर आपको यह स्थान नज़र आ जाएगा जिस पर लिखा हुआ है श्री रणछोड़ राय प्रागट्य स्थान, यानी कि ये वही जगह है जहाँ से ये मूर्ति प्राप्त हुई थी। और यहाँ पर मंदिर के नीचे की तरफ भी एक जगह है जहाँ से खुदाई करके यह मूर्ति मिली थी। तो आप चाहो तो यहाँ पर भी इस जगह के दर्शन ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। और जैसे ही हम यहाँ से आगे बढ़े तो हमने देखा तो यहाँ पर परिक्रमा वासियों के भोजन की भी अच्छी व्यवस्था की गई थी, तो हमने भी सोचा कि यहीं पर थोड़ा सा भोजन कर लेते हैं। भोजन करके रणछोड़ राय मंदिर से जैसे ही हम बाहर आए तो यहाँ पे आगे की तरफ भी और एक शिव मंदिर आ जाता है। वहां से कुछ आगे बढ़ने पर आपको ये इस तरह से पक्की सड़क मिल जाती है, तो अभी आपको कुछ किलोमीटर तक इसी पक्की सड़क पे चलना है। नर्मदा हाट दोस्तों, तो अभी हम आ गए यहाँ पे रामपुरा में नावड़ी से क्रॉस करके। और जैसे कि आप देख सकते हो अभी यहाँ पे ऐसी बिल्कुल पक्की सड़क है। रामपुरा के साइड जो ज़्यादातर रास्ता है वो ऐसे ही है, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा चलने में परेशानी नहीं होगी। और अभी जो मंदिर था रणछोड़ राय जी का, वहाँ पर हमने भोजन कर लिया है दोपहर का। तो जैसा यहाँ पे रास्ते में भी अभी मंदिर आएंगे तो सभी के आपको दर्शन कराएंगे। इस रास्ते में चलते हुए आपको जगह जगह पे इस तरह से गाय भैंस बकरी मुर्गियाँ सब देखने मिल जाएंगे। तो अगर आपके बच्चों को भी अगर आप साथ में लाते हो तो उन्हें भी ये गांव का वातावरण देख के काफ़ी अच्छा लगेगा। हम जैसे ही वहां से कुछ आगे बढ़े तो हमारी नज़र पड़ी इस साइनबोर्ड पर जो अंदर की तरफ इशारा कर रहा था श्री धनेश्वर महादेव के मंदिर की तरफ। यह जो मंदिर है ये रोड से थोड़ा सा अंदर है, लेकिन आपको इस मंदिर के दर्शन अवश्य करने चाहिए क्योंकि यह जो मंदिर है ये काफ़ी प्राचीन है और माना जाता है कि यहाँ पर ये शिवलिंग की स्थापना धन कुबेर ने की थी, क्योंकि कुबेर जो थे ये शिवजी के बहुत बड़े भक्त थे। तो चलिए साथ मिलकर दर्शन करते हैं धनेश्वर महादेव के। आप जैसे ही अंदर आते हो यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में यह पहले एक धनेश्वर महादेव का शिवलिंग नज़र आता है जहाँ पे लिखा हुआ है प्रथम कुबेर भंडारी श्री धनेश्वर महादेव। दर्शन करके ही जैसे हम पीछे की तरफ मुड़े तो हमारा ध्यान गया तो यहाँ पर और एक शिवलिंग स्थापित किया हुआ था जिसका नाम था लुंकेश्वर महादेव। तो इस तरह से आमने सामने दो शिवलिंग हमने पहली बार देखे थे। दर्शन करके जैसे ही हम पीछे की तरफ आए तो हमने देखा तो यहाँ पर जानकीदास बापू का आश्रम भी स्थित है। तो आप अगर चाहो तो आप यहाँ पर आश्रम में भी कुछ समय व्यतीत कर सकते हो। अभी वैसे तो 11:30 ही बजे थे, लेकिन फिर भी धूप बहुत तेज लगने लगी थी तो छांव आते ही काफ़ी अच्छा लगता था। और वहीं रास्ते में एक जगह पर हमें ये गन्ने जूस वाले मिल गए, तो हमने भी यहाँ पर बैठ के थोड़ा सा गन्ने का जूस पी लिया जिससे हमें काफ़ी राहत मिली। गन्ने का जूस पीकर जैसे ही हम आगे की ओर बढ़े तो अभी मांगरोल गांव आने वाला था और यहाँ पर
और एक ये पंडाल लगा हुआ है जिस पर विसामो लिखा हुआ था, यानी कि आप यहाँ पर बैठ के कुछ देर तक रेस्ट कर सकते हो। और वहीं से कुछ आगे बढ़ने पर आ जाता है मंगलेश्वर महादेव तीर्थ। यहाँ पर इस मंदिर में दर्शन के लिए भी आपको थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़नी होगी, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। मंगलेश्वर महादेव तीर्थ भी काफी प्राचीन है। ऐसे माना जाता है कि भगवान शिवजी का जब अंधकासुर नाम के राक्षस के साथ पे युद्ध हुआ था, तब युद्ध करते समय उनके शरीर से एक पसीने की बूंद धरती पर गिरी थी और वहाँ पर मंगल का जन्म हुआ था। मंगल का जन्म वैसे तो उज्जैन नगरी में शिप्रा नदी के किनारे हुआ था, लेकिन मंगल ने अपनी कर्मभूमि नर्मदा नदी के तट के किनारे पर बनाई और यहाँ पर उसने शिवजी की कठोर तपस्या भी की। इस पवित्र स्थान पर मंगल ने शिवजी की स्थापना की और उसे मंगलेश्वर महादेव तीर्थ का नाम दिया। आज भी मंगलेश्वर महादेव के तीर्थ में जिस किसी में मंगल दोष हो उसके निवारण हेतु यहाँ पर विशिष्ट पूजाएं भी की जाती है। तो हमने भी यहाँ पर मंगलेश्वर महादेव के दर्शन किए, उनका आशीर्वाद लिया और अपनी परिक्रमा आगे की ओर जारी रखी। वहां से कुछ ही आगे बढ़ने पर पांगरोल गांव का ये मुख्य चौराहा आ जाता है। यहाँ पर भी यात्रियों के लिए बैठने की व्यवस्था की गई है। यहाँ से आपको लेफ्ट साइड में टर्न लेना होता है। नर्मदा परिक्रमा मार्ग के साइन बोर्ड आपको हर जगह पर देखने मिल जाएंगे, तो इससे आप अपने पथ से कभी भटकोगे नहीं। वहां से चलते चलते जैसे ये आगे की ओर बढ़े तो यहाँ पर उदासीन आश्रम आ गया था। उदासीन आश्रम के बाहर की ओर भी कुछ भंडारा लगा हुआ था। यहाँ पर भी चिवड़ा एवं कुछ फ्रूट्स काट के रखे गए थे। तो यहाँ पे रास्ते में जगह जगह पे आपको इस तरह से खाने पीने की चीज वस्तुएं तो मिल ही जाती है। उदासीन आश्रम से जैसे ही आप कुछ आगे बढ़ोगे तो आपको तपोवन आश्रम नजर आ जाएगा। नर्मदे हर। तपोवन आश्रम में परिक्रमा वासियों के लिए आइसक्रीम की व्यवस्था की थी। इतनी गर्मी में आइसक्रीम खा के सचमुच मन को काफी शांति मिल रही थी। तपोवन आश्रम परम पूज्य श्री पूर्णानंद सरस्वती स्वामी महाराज की तपस्या भूमि है। यहाँ पर ये हफ्ते में सिर्फ एक ही बार खिड़की में से दर्शन देते हैं, इस वजह से इन्हें यहाँ खिड़की वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। तपोवन आश्रम में परिक्रमा वासियों के लिए वॉशरूम की भी व्यवस्था है, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ जो मैंने मैप बनाया है उसमें भी मैंने कहां कहां पर वॉशरूम पॉइंट्स है वो भी मेंशन किया है। अगर आपको उस मैप का पीडीएफ वर्जन डाउनलोड करना हो तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से उसे डाउनलोड कर सकते हो और चाहो तो अपने मित्रों के साथ में शेयर भी कर सकते हो जो यहाँ पे आने का प्लान बना रहे हैं। और वहाँ से जैसे ही हम आगे आए तो यहाँ पर ये और एक काउंटर लगा हुआ था, तो जब हमने नज़दीक जाके देखा तो पता चला कि यहाँ पर गरम गरम भजिया दे रहे थे। गरम ओ भाई। भजिए खा के जैसे ही हम आगे की ओर बढ़े तो वहाँ पे हमें एक राइट टर्न लेना होता है। और यहाँ पे राइट साइड में ही एक मंदिर है जिसका नाम है गोपालेश्वर महादेव।
हम यहाँ पे गए थे लेकिन अभी ये मंदिर बंद था क्योंकि यहाँ पर अभी साफ सफाई चल रही थी। हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे तो हमारे कानों में जोर जोर से घंटियों के स्वर सुनाई दे रहे थे, जिससे हमें पता चल रहा था कि आगे कहीं तो भी आरती हो रही है। और जैसे ही हम कुछ आगे बढ़े तो हमने देखा तो यहाँ पर श्री स्वामी रामदास संत आश्रम स्थित था। इस भव्य प्रवेश द्वार से होते हुए आपको इस आश्रम में प्रवेश करना होता है। जैसे ही आप अंदर आओगे आपको समझ में आ जाएगा कि इस आश्रम का परिसर कितना शांत एवं रमणीय है। यहाँ पर परिक्रमा वासियों के लिए वॉशरूम की सुविधा भी उपलब्ध है। वहीं से कुछ आगे बढ़ने पर इस आश्रम का मुख्य मंदिर आ जाता है, जहाँ पर प्रभु श्री राम एवं माता जानकी विराजित है। तो चलिए रामनवमी के इस पवित्र दिन पे दर्शन करते हैं प्रभु श्री राम के। यहाँ पर इस मंदिर में दर्शन के लिए भी आपको कुछ सीढ़ियाँ चढ़नी होगी, क्योंकि यहाँ का जो मुख्य मंदिर है ये दूसरे माले पर स्थित है, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। हम जब मंदिर में पहुंचे तो आरती समाप्त हो गई थी और यहाँ पर प्रार्थना चल रही थी, तो हम भी यहाँ पर कुछ देर बैठकर इस प्रार्थना में सम्मिलित हो गए थे। श्री राम एवं सीता के मंदिर के अलावा यहाँ पर श्री पारदेश्वर महादेव का मंदिर भी है। यह मंदिर में शुद्ध पारे से बना हुआ शिवलिंग स्थापित किया गया है। और वहीं शिव मंदिर के दूसरी ओर पवन पुत्र हनुमान जी का मंदिर भी स्थित है। यहाँ की मूर्ति भी काफी मनमोहक है। आज रामनवमी का पर्व था, इस वजह से यहाँ पर अन्नकूट भी रखा गया था, तो हमने भी इस अन्नकूट के दर्शन किए। दोस्तों, हमारे लिए काफ़ी बड़ी बात थी कि रामनवमी के शुभ दिन हमें यह परिक्रमा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और साथ ही साथ मैं आप तक ये पहुंचा पा रहा हूँ, ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। हमारे जो भी दर्शक अब तक इस परिक्रमा पे नहीं जा पाए हैं, तो उन सभी के लिए मैं नर्मदा मैया से प्रार्थना करूँगा कि आपको भी जल्द से जल्द यह परिक्रमा करने का सौभाग्य प्राप्त हो। नर्मदे हर। यहाँ से दर्शन करके जैसे ही हम नीचे की तरफ आए तो यहाँ पर परिक्रमा वासियों के लिए छाछ का प्रसाद रखा हुआ था। छाछ का प्रसाद लेकर जैसे ही हम आगे बढ़े तो हमें पता चला कि यहाँ से एक रास्ता नीचे नर्मदा नदी के तट की ओर भी जाता है। तो यदि आपको आगे नहीं जाना है तो आप यहाँ से भी नीचे उतर के घाट से अपनी परिक्रमा जारी रख सकते हो। और यदि वहाँ से आप आगे की ओर जाते हो तो वहाँ पर रास्ते में सीताराम बापू का आश्रम भी आता है। यहाँ पर दोपहर में परिक्रमा वासियों के भोजन की व्यवस्था भी की जाती है। हालांकि हमने हमारा भोजन तो रणछोड़ राय के मंदिर में कर लिया था, तो इसीलिए हम इसी घाट से नीचे उतर गए और नर्मदा नदी के तट पर आगे बढ़ने लगे। नर्मदे हर। तो लीजिए दोस्तों, हम आ गए थे नर्मदा नदी के तट पर, और जैसे कि आप सामने की तरफ देख रहे हो यहाँ पर नहाने के लिए घाट भी बना हुआ है, तो यदि आप चाहो तो यहाँ पर भी आके नहा सकते हो। और यहाँ पे ये रास्ता थोड़ा सा पथरीला है, तो आपको थोड़ा संभाल के चलना होगा। नर्मदा नदी का पानी यहाँ पे ज़्यादा गहरा नहीं है, तो हमने देखा था तो यहाँ पर काफ़ी लोग नहा भी रहे थे। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको कई जगह पर ये साइन बोर्ड नज़र आ जाएंगे जिस पर लिखा हुआ है कि नर्मदा नदी में मगरमच्छ है, तो आप वैसी जगह पर ही नहाइएगा जहाँ पर ज़्यादा लोग नहा रहे हो, क्योंकि वैसी जगह पर मगरमच्छ कम ही आते हैं। और वहीं नर्मदा नदी के साथ हम भी अपने इस परिक्रमा पथ पर आगे की ओर बढ़ रहे थे।
और जैसे कि मैं देख पा रहा था कि यहाँ पर हमारे सिवा और कोई भी परिक्रमावासी नहीं चल रहे थे, क्योंकि यहाँ पर दरअसल कोई भी पेड़ नहीं थे और उस वजह से आपको धूप भी यहाँ पे ज़्यादा लग सकती है। लेकिन खैर, ये तो सभी इस परिक्रमा का भाग है, तो इससे हमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। और अभी ये आप जो सामने देख रहे हो, वहाँ पे तिलकवाड़ा है, वहाँ तक हमें जाना है। तो चलिए धीरे धीरे अपनी परिक्रमा जारी रखते हैं। अभी हम पहुँच गए। अभी सामने जो आपको दिख रहा है टावर, वो तिलकवाड़ा है। अभी यहाँ पे हमें वापस से नदी को क्रॉस करना है। वैसे तो यहाँ पे भी नावड़ी होती है, लेकिन यहाँ पे नाव दिखाई नहीं दे रही है। अभी पास जाके पता चलेगा। दोपहर के टाइम चलने में बहुत गर्मी हो जाती है। सुबह सुबह सफ़र जल्दी से कट गया, लेकिन जैसे ही धूप आ जाती है तो आज फिर भी अच्छा है। क्लाइमेट की क्लाउडी है, तो इतना डायरेक्ट सनलाइट नहीं है। और ये जो आखिर के जो 1.5-2 किलोमीटर है, ये आपको सिर्फ थोड़े से भारी पड़ेंगे, और वो भी इसीलिए क्योंकि दोपहर का समय हो गया था। अभी करीबन 12-12:30 बज गए थे। और ये जो आप सामने पिंक कलर का गेट जैसा देख रहे हो, उसी से होते हुए हमें यहाँ पे जो एक घाट बना हुआ है वहाँ पर जाना होता है। और यह जो घाट है, यहाँ से आपको बोट मिल जाती है। और ये यहाँ पे परिक्रमावासियों के लिए ऐसे ये टेम्पररी टॉयलेट्स भी रखे गए थे। तो यहाँ पर ऐसे प्रशासन द्वारा काफ़ी अच्छी व्यवस्था भी की जाती है। ऐसे कहा जाता है कि नर्मदा का जो हर एक कंकर है उसमें शिव है। हमने भी यहाँ से ऐसे शिवलिंग के आकार के 2-3 पत्थर लिए हैं हमारे फ्रेंड्स और फैमिली के लिए। उनको एज अ मेमोरेबली हम लोग उनको गिफ्ट करेंगे। और अभी जो आप सामने देख रहे हो पहाड़ी पे, वो वासुदेव कुटीर है जहाँ पे हम कल रुके थे। और आज हमने जहाँ से अपनी ये देखो, बिल्कुल शिवलिंग जैसा है। और वहीं कुछ ही देर में हम पहुंच गए थे यहाँ के घाट पर, जहाँ से आपको बोट लेनी होती है। यहाँ से बोट दरअसल दो जगह पे जाती है। एक आपको सामने की तरफ छोड़ती है, जो रास्ता मणिनागेश्वर जाता है। और यदि आपको वासुदेव कुटीर जाना हो, तो आपको बोट वाले को कहना होता है कि हमें घाट पर जाना है। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा, नहीं तो वो आपको सामने की तरफ छोड़ देंगे और वहाँ से आपको मणिनागेश्वर चल के जाना पड़ेगा, और मणिनागेश्वर से फिर पूरा वासुदेव कुटीर तक चल के आना पड़ेगा। तो ये काफ़ी लंबा रास्ता हो जाएगा। मतलब लाल पत्थर बैठला, हाँ गणपति, हाँ हम ये शोध हो, पर हाँ नहीं बैठला मतलब। नर्मदा नदी से जो पत्थर मिलते हैं, उसमें यदि आपको काला पत्थर मिले तो उसे शिव माना जाता है, और यदि ऑरेंज या लाल पत्थर मिले तो उसे गणेश माना जाता है। तो ये हमारे साथ में जो भाई साहब थे, ये हमारे साथ ही आश्रम में रुके हुए थे, उनको अभी लाल पत्थर मिला। तो वही हम लोग बात कर रहे थे कि हम भी कब से लाल पत्थर ढूंढ रहे, लेकिन हमें मिला नहीं। नहीं नहीं सबते नहीं, सर्व घेतले यांना वेगवेगळे भेटले ते कलरचे। और ये जो भाई साहब है, दरअसल ये पूना से आए हुए थे। हमारे साथ इनकी कल ही बातचीत हुई थी और हमें पता चला कि ये एक स्पाइन सर्जन है। तो इनको देखकर शायद आपको पता ही नहीं चलेगा कि पूना में ये एक डॉक्टर है और स्पाइन सर्जन है। और यही इस परिक्रमा की सबसे विशिष्ट बात है, क्योंकि यहाँ पर आप समाज में आप किस दर्जे पर हो या आप क्या करते हो, यह मायने नहीं रखता है। यहाँ पर सभी एक साथ मिलकर नर्मदा मैया के साथ में एक रस हो जाते हैं।
वहीं कुछ ही देर में हम पहुंच गए दोस्तों यहां पर सामने की तरफ घाट पे। और जैसे कि आप देख सकते हो यहां पे इस तरह से सीढ़ियां बनी हुई है जहां से होते हुए आपको ऊपर वासुदेव कुटीर आश्रम में जाना होता है। और यहां पर भी आपको बोट राइड के 20 रुपये ही देने होते हैं। तो नर्मदा मैया के जो दोनों तरफ के घाट है वहाँ पर बोट का जो चार्जेस है ये 20-20 रुपया ही है। दिख रहा है ना ऑरेंज गेट, वहाँ से ऐसे घूम के आए। नहीं नहीं उसको बोला हम लोग ने ना कि अपने को वासुदेव वो इधर ही जा रहा था, बोला आ जाए। हाँ तो उम्मीद है आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा कि आपको बोट वाले को क्या कहना है, क्योंकि अगर आपने थोड़ी भी गलती की तो आपको वो गलत जगह पे छोड़ देगा। इसीलिए ये बात मैं आपको दो बार बता रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर बोट वालों को पता नहीं होता है और ये डिस्टेंस उनको काफ़ी लंबा पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर तो क्या बिल्कुल सामने ही घाट है तो उनके लिए सिर्फ 2 मिनट का काम है, यहाँ पे छोड़ने के लिए आपको कम से कम 10 मिनट लगते हैं उनको। और वहीं हम अभी सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर तक आ गए, और जैसे ही ऊपर आए तो आप देख सकते हो सामने की तरफ वही तिलकवाड़ा पुलिस स्टेशन का लाल कलर का गेट आ जाता है। तो ये बिल्कुल नज़दीक हम पहुँच गए यहाँ पर। और अगर ओवरऑल मैं अपना एक्सपीरियंस की बात करूं तो हमारा ये जो परिक्रमा का एक्सपीरियंस है इसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है, क्योंकि इसका जो अनुभव है ये आपको यहाँ पर खुद ही आके प्राप्त करना है। ये मैं आपको वीडियो पे सिर्फ बता सकता हूँ, लेकिन अनुभव तो आपको खुद ही लेना होता है। और इस वीडियो को बनाने के पीछे का तात्पर्य यही है कि जो भी लोग इस परिक्रमा के लिए सोच रहे हैं या शायद उनके मन में कोई डाउट हो कि हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो मैंने मोस्टली सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश की है। और जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये कन्या पूजन के लिए हम लोग जो बच्चों के लिए गिफ्ट लाए थे, अभी बच्चे तो बहुत ज़्यादा हो गए थे लेकिन हमारे पास गिफ्ट खाली 5 ही थे, तो ये हमें काफ़ी बुरा लगा। लेकिन फिर भी हमारी जो चॉकलेट्स थी वो भी सारी रास्ते में ख़त्म हो गई थी, लेकिन जो थोड़ी बहुत चॉकलेट्स थी वो हमने फिर इन बच्चों को दे दी थी। और ये वासुदेव कुटीर आश्रम के अंदर से यहाँ पर आपको नर्मदा मैया का पूरा व्यू देखने मिल जाता है। और हमारा नसीब अच्छा था कि आज क्लाइमेट काफ़ी अच्छा है, क्लाउडी है तो इतनी परेशानी नहीं हुई। और वहीं पे अभी थोड़ी देर में यहाँ पर भजन चालू हो गए थे तो हमने थोड़ा सा उस भजनों का भी आनंद लिया। डोळे मुख बोलाया वचन आणि ते हे तू जोडसी नारायण, आज तुम्हाला चांगली सद्बुद्धी त्याच्यामुळे म्हणून मी इतपर्यंत आलेत केले, पण माझ्यासाठी तुम्ही काय केलं? बरोबर, अरे माझ्या नावावर कधी ताली वाजवली? माझ्या नावाने कधी तीर्थयात्राला गेला? पुढे काही दान केलंय का? काहीच नाही। मग जन्म आला गेला आणि पाणी वाहून मेला। बरोबर, मग मला काय म्हणायचं? 13 करोड प्रत्येकाने जिद्द करायची माझ्या आयुष्यामध्ये अंतिम वेळेमध्ये मी असं पटन झालो। तुम्हाला जो नाव आवडेल त्याचं चिंतन करा। तुकाराम महाराज मंत्राचं नाव सांगतात, राम कृष्ण हरी विठ्ठल केशवा मंत्र हा जपावा सर्व काळ। हे तुम्हाला आवडत नाही ज्ञानेश्वर महाराज कृष्ण विष्णू हरी गोविंद या नामाचे निखिल प्रबंध माझी आत्मचरित्राच्या विषयी उदंडन। दिवसातून फक्त तुम्ही अर्धा तास देवाची बोलायला शिका, सर्व आपोआपच प्राप्त होईल। थोडे भजन और सत्संग के बाद अभी हम वापस से तिलकेश्वर महादेव के दर्शन के लिए आए थे। तो रास्ते में हमारा ध्यान गया कि यहाँ पर ये कुम्भार जो थे ये पॉट बना रहे थे, तो हमारे बच्चों ने भी इस तरह से कभी मटका बनते हुए नहीं देखा था। तो हम भी यहाँ पर थोड़ी देर रुक गए और देख रहे थे कि ये किस तरह से इस मटके को घाट दे रहे थे। तिलकवाड़ा में ज़्यादातर लोग कुम्भार का ही काम करते हैं, तो उस वजह से आप चाहो तो यहाँ से मटका भी खरीद सकते हो। यहाँ का जो मटका है वो आपको नर्मदा मैया की मिट्टी एवं दूसरी 4-5 जगहों की मिट्टी का ही बना हुआ मिलेगा।
जाते जाते हमने भी यहाँ से एक मटका खरीद ही लिया, क्योंकि वैसे भी अभी गर्मी का मौसम आने ही वाला था और मटके के ठंडे पानी से अच्छा और क्या हो सकता है। यहाँ पर घूमते हुए हमने देखा कि यहाँ के कई घर जो थे वो अभी भी यहाँ की पुरानी शैली में ही बने हुए थे, जो हमें यहाँ के पुराने समय की याद दिलाते हैं। तो हमें भी यह देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था, क्योंकि सुबह जब हम निकले थे तो अंधेरा था और इतना साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। और इसीलिए मैं यहाँ पे ये शूट कर रहा हूँ ताकि आपको भी पता चले कि आप अगर तिलकवाड़ा आ रहे हो तो आप यहाँ पे ऐसे भी घूमने के लिए निकल सकते हो। और वहीं हम तिलकवाड़ा में तिलकेश्वर महादेव के दर्शन करके आ गए थे वापस से अपने वासुदेव कुटीर आश्रम की ओर। और यहाँ पर हमने जो नर्मदा का जल लाया था उससे अभिषेक भी किया और अपनी परिक्रमा की पूर्णाहुति की। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको हमारी इस नर्मदा परिक्रमा में आनंद आया होगा। और यदि आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हो। और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर सकते हो और अपने मित्रों के साथ में इसे शेयर भी कर सकते हो। और इसी तरह के जानकारी भरे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे ज़रूर सेट कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले ऐसे किसी जानकारी भरे वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ में डिस्कवर इंडिया बाय रोड पर। नर्मदे हर।